जोधपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को उस वक्त भड़क उठा जब सुबह से धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं से वार्ता से इनकार करते हुए कुलपति बाहर नहीं निकले। पुलिस की सुरक्षा में कक्ष से बाहर निकले तो कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। कार्यकर्ताओं ने कुलपति व कुल सचिव पर गमले चलाकर हमला कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कुलपति व प्रॉक्टर की जमकर पिटाई की गई। कई दिनों से धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शुक्रवार दोपहर बाद फूट गया। कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव को बुरी तरह पीटा है। घटना को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कुलपति कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ किया, दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया गया। सुबह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर बाद कुलपति का इंतजार कर रहे थे लेकिन 3 बजे तक कुलपति बाहर नहीं निकले, जिसके बाद कार्यकर्ता कुलपति के कक्ष पे पहुंच गए। इस दौरान पुलिस अपनी सुरक्षा में कुलपति को बाहर निकाल रही थी कि कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। कुलपति के पीटने के साथ ही बीच बचाव कर रहे थे पुलिस कर्मियों से भी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने गमले फेंक कर कुलपति व कुल सचिव को मारा। कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव को बुरी तरह पीट दिया। कुलपति कक्ष में तोड़फोड़ कर दरवाजे को उखाड़ दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुटी है। घटना को लेकर अफरा तफरी का माहौल है।